दोस्तों, आपके चेस्ट के आसपास अगर ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 3 ऐसी स्टेप्स जिससे आप मेन बूब्स की प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू द अरुण पटेल फिटनेस। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि क्या आपको सच में मेन बूब्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको गाइनोकेमिस्टिया है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। ये सच में आपके चेस्ट के आसपास कुछ एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो गया है, तो ये पता करना बहुत ही इजी है। देखिए, गाइनोकेमिस्टिया और चेस्ट फैट दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं। जहां गाइनो में चेस्ट पोर्शन पर हार्ट लंप जैसा कुछ एक बन जाता है, वहीं चेस्ट फैट में सॉफ्ट फैटी स्किन होती है। गाइनो मोस्टली निप्पल्स पर ही कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन चेस्ट फैट पूरे चेस्ट पर ही एक्यूमुलेट होता है। रिसर्च ये बताते हैं कि जनरली गाइनो की प्रॉब्लम उन्हें आती है जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हो या एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या एक्सेसिव मेडिकेशन पर डिपेंड होते हैं। कभी कभी टीनेज में भी प्यूबर्टी रीच होने पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम टेम्परेली होती है। जबकि चेस्ट फैट बनता है गलत खान पान से और पुअर लाइफ स्टाइल से। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइनो एक रेयर कंडीशन है, जबकि चेस्ट फैट का होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको गाइनो की प्रॉब्लम नहीं है, आपके चेस्ट के आसपास फैट एक्यूमुलेट हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको ना ही किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और ना ही किसी सर्जरी की। क्या बोला तूने? इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 3 ऐसी स्टेप्स जिसकी वजह से आपका चेस्ट फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बल्कि आपका चेस्ट एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर है रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट। हर किसी की अपनी टेंडेंसी होती है ज्यादा फैट गेन करने की। अच्छा, किसी के चेस्ट पे ज्यादा फैट होता है तो किसी के थाइस पे या किसी की आर्म्स पर। इसीलिए अगर आप अपने बॉडी का ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस कर लेंगे तो आपका चेस्ट फैट ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। ओवरऑल चेस्ट फैट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है बेस्ट न्यूट्रिशन। इसके लिए आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कम कैलोरीज पर फोकस करना जरूरी नहीं कि वेट लॉस करने का सही तरीका हो। आपकी कैलोरीज कौन से फूड से आ रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज्यादा कैलकुलेटर लेके कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए और सिंपल घर का खाना खाइए, और ओवर ईटिंग मत कीजिए, और बाहर का डीपली फ्राइड फूड्स अवॉइड कीजिए। रिफाइंड शुगर की जगह हेल्दी स्वीटनर्स को अपनाइए। कोशिश करें कि 7 बजे तक अपना डिनर हो जाना चाहिए। रेगुलर वर्कआउट करें और एक अच्छी स्लीप लें। अगर आप इतना करते हैं तो आपका फैट रिडक्शन जरूर होगा। सिंपल सी बात है, जब आपका वेट लॉस होगा तो आपका फैट रिड्यूस हो ही जाएगा। दोस्तों, स्टेप 1 से आपका चेस्ट फैट कम तो हो ही जाएगा कि आपका चेस्ट मेनली एक अच्छे शेप में आ जाएगा। तो स्टेप 2 है चेस्ट वर्कआउट। मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों को चेस्ट फैट की प्रॉब्लम होती है वो जानबूझकर चेस्ट का वर्कआउट कम करते हैं कि चेस्ट की एक्सरसाइज करने से उनके मेन बूब्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब आप चेस्ट को हर एंगल से हिट करेंगे तो आपके मसल्स के फाइबर्स ब्रेक होंगे, चेस्ट में ब्लड फ्लो ठीक से होगा। इसलिए चेस्ट वर्कआउट जरूर करें और हफ्ते में 2 बार करें। अगर आप किसी कारण से जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही रहकर अपने चेस्ट के हर पार्ट को हीट कर सकते हैं। दोस्तों, चेस्ट वर्कआउट में पुशअप से बेहतर शायद ही कोई एक्सरसाइज हो। स्टेप 3 है बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली। दोस्तों, हमारी बॉडी में हर एक चीज कनेक्टेड है। अगर आपको ये फील होता है कि आपका चेस्ट फीमेल जैसा दिखता है तो बिल्कुल हो सकता है कि आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में वेट लॉस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है लेग वर्कआउट को कभी भी मिस ना करें। सिर्फ एक लेग वर्कआउट ही है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छे से बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। रात को सोने की जल्दी आदत डालिए जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहें क्योंकि इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। ऑफ कोर्स चेस्ट फैट थोड़ा सा एम्बरेसिंग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यह एक बिल्कुल भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ठान लें और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो कुछ भी कठिन नहीं है। इस कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को चैलेंज कीजिए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।